हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन क्रिस्टल वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 7 में। तो अभी मैं गोल्डन रोड सिटी के पोकेमोन सेंटर में हूँ एंड लास्ट एपिसोड में मेरे साथ क्या हुआ मैं तुम्हें एक बार रिकैप दे देता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में मैंने पूरे गोल्डन रोड सिटी को एक्सप्लोर किया था और ज़्यादा कुछ किया नहीं था। एंड मैंने गोल्डन रोड सिटी के जो डिपार्टमेंट स्टोर है उसमें भी गया था, लेकिन मैं उधर कुछ खरीद नहीं पाया क्योंकि मेरे पास मनी नहीं था ब्रो, आई एम ब्रोक। एंड इधर गेम कॉर्नर भी है गोल्डन रोड सिटी में, गेम कॉर्नर के अंदर भी गया था। एक बंदे का मुझे गेम कॉइन केस मिला उधर, नहीं गेम कॉर्नर में नहीं, अंडरग्राउंड एक पाथ, अंडरग्राउंड कहीं एक जगह था उधर जाके मिला था मुझे। एंड इधर भाई बिल का घर है, बिल का मॉम का घर है इधर। एंड उसका ग्रैंडपा का घर तो था फुशा सिटी में। एंड उसके बाद एक बाइक शॉप में गया था, उस बंदे ने मुझे एक फ्री का बाइक दिया है। उसने इसलिए मुझे फ्री का बाइक दिया है क्योंकि उसका कोई बाइक खरीद नहीं रहा था। एंड उसने मुझे ये बाइक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दिया है कि भाई मेरा बाइक चला एंड एडवर्टाइजमेंट कर। तो आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो तुम्हें बताता हूँ। तो रुको, मैं अपने पोकी गेयर में देख लेता हूँ मैं जाने किधर वाला हूँ आज। तो मैं गोल्डन डॉट सिटी में तो अपने जिम लीडर को हरा दिया मैंने, तो मैं जाऊँगा एग्रोटेक सिटी। इधर मुझे बिल भी मिल सकता है, बिल के सिस्टर ने शायद मुझे बोला था या। तो चलो एग्रोटेक सिटी चलते हैं, मुझे Route 35 से होते हुए जाना पड़ेगा एग्रोटेक सिटी। एंड इधर रेडियो में भी गया था, रेडियो टावर में, उधर मुझे रेडियो कार्ड मिला था। तो इस गेट में जो बंदे हैं इनसे सब इन लोगों से बात करते हैं। इस ओल्ड लेडी से स्टार्ट करते हैं। ए स्ट्रेंज ट्री इज़ ब्लॉकिंग द रोड, एक स्ट्रेंज ट्री ब्लॉक कर रहा है रोड को, बट क्यों। इट विगलेस अराउंड इफ़ यू टॉक टू इट, वॉट ट्री से कौन बात करेगा। आई हेड इट बिकम वाइल्ड व्हेन समवन वाटर इट इन विद ए स्क्वायर बॉर्डर, कोई उस ट्री में वाटर डाल रहा है तो वो क्या कर रहा है, भाग रहा है क्यों, आई डोंट नो वाई। मुझे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस ट्री का मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड ये गाय तू क्या कर रहा है ब्रो। आई वंडर हाउ मेनी काइंड ऑफ पोकेमोन देयर आर इन द वर्ल्ड, कोई बता नहीं सकता, ये एक मिस्ट्री है। दे 3 ईयर्स एगो प्रोफेसर ओक सेड दैट देयर आर 150 डिफरेंट काइंड, कांटो में 115 है एंड अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं ब्रो, कोई नहीं बता सकता, अभी भी मिस्ट्री है। तो इस गार्ड से बात कर लेता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी खेड, कैन यू डू ए गाय ए फेवर, क्या तेरे लिए क्या करूँ भाई। कैन यू टेक दिस पोकेमोन विद मेल टू माई फ्रेंड, भाई पोकेमोन मेल लेके जाना है तेरे फ्रेंड के पास। ही इज़ ऑन Route 31। Route 31 में मैं तो था, Route 31 में शायद मैं गया था Route 31 में। तो चलो इसे एस बोलते हैं। यू विल परफेक्ट, थैंक्स किड, माई पाओ ए चोबी गाय हु स्नूज ऑल द टाइम, तुम्हारा पाओ एक स्नूजी गाय है एंड बहुत बड़ा चोबी, मतलब फैट बोलो ना, चोबी क्या लगा के रखा है। यू विल रिकगनाइज हिम राइट अवे, यू कैन कैरी अनदर पोकेमोन, ओके। तो मुझे अपने एक पोकेमोन को डिपॉजिट करना पड़ेगा पोकेमोन सेंटर में, उसके बाद ही मैं उसके पोकेमोन को कैरी कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है मैं टोगोपी को रख दूँगा पीसी में एंड मैं नेक्स्ट सिटी जाऊँगा एक्रोटेक सिटी, तब जाके मैं उसे निकाल लूँगा। तो चलो भाई उसे डिपॉजिट कर दिया, अब उस बंदे का लेता हूँ, उस गार्ड का वो पोकेमोन एंड उसके फ्रेंड को वो डिलीवर करता हूँ पोकेमोन एंड मेल। ओके इसका पोकेमोन है कौन सा देखते हैं। ओके मुझे रिसीव हो गया, Route 31 में है ये। बट डोंट लूज इट Route 31, ओ या देयर वॉज ए वीयर्ड ट्री ब्लॉकिंग द रोड, ये कौन से वीयर्ड ट्री के बारे में ये सब लोग बात कर रहे हैं। आई वंडर इफ इट इज़ बीन क्लियर्ड, ओह उधर जाके ही पता चलेगा कि वो क्लियर हुआ है कि नहीं। वैसे इसका पोकेमोन है कौन सा देख लेता हूँ मैं। कैनिया नेम है, निक नेम है कैनिया एंड स्पेरो है इसके पास। Route 31, Route 31 किधर है ब्रो, रुको मैं देख लेता हूँ मैप में। मैं भी Route 35 में हूँ, नेशनल पार्क Route 36, Route 37, एक्रोटेक। Route 31 शायद पीछे है किधर, वायलेट सिटी, ओ वायलेट सिटी के पास में है Route 31, तो उधर जाना पड़ेगा। वैसे मैं जा सकता हूँ इधर से अगर मैं जाऊँ तो।
तो चलो चलते हैं। वैसे मैं बता दूँ तुम्हें, मेरे पास एक भी पोशन नहीं है, मैं ख़रीद नहीं पाया था पोशन क्योंकि मेरे पास मनी ही नहीं है ब्रो, सारे मनी को मैंने स्पेंड कर दिया है। देखो मेरे पास 66 पोकी डॉलर बचे हैं अभी। तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड एक्रोटेक सिटी चलते हैं। आर यू गोइंग टू द जिम? हाँ मैं जिम में जाता हूँ, जिम बैटल करता हूँ। मी टू। अच्छा तुम भी जाती हो जिम? ओके देखते भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे इसके पास कौन सा पोकेमोन है? तो पिकनिकर किम वॉन्ट टू फाइट मी, किम मुझसे बैटल करना चाहती है। एंड इसके पास फल्फिक्स है जो कि एक फाइट है पोकेमोन है। एंड अपना कुलावा का तो लेवल तुम्हें पता ही है। एंड ब्रो मैं साइडक को चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे इसका लेवल अप करना है। साइडक के ऊपर एक अटैक यूज़ किया। साइडक को कौन से अटैक आते हैं? कोई वाटर टाइप अटैक नहीं आता, तो इससे बैटल करके कोई फ़ायदा नहीं, करवा के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये हार जाएगा। तो कुलावा ब्रो आ जा, इस फल्फिक्स को हरा एंड दोनों एक्सपीरियंस शेयर कर। तो मैं क्विक अटैक यूज़ करता हूँ क्योंकि फल्फिक्स एक फायर टाइप है, तो इसके ऊपर फायर टाइप मूव इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्विक अटैक ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो फल्फिक्स टेल व्हिप यूज़ करके अपने कुलावा का डिफेंस फिल कर रही है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने कुलावा को क्योंकि बहुत स्ट्रांग है अपना कुलावा। एंड फल्फिक्स को कर दिया है फेंटेड, कुलावा को 99 एक्सपीरियंस मिला एंड साइडक को भी, एंड हमने किम को डिफीट कर दिया। ये बहुत वीक है क्योंकि ये मुझे नहीं हरा पाई, तो ये वीक ही हुई। ओ आई कुंड विन बिकॉज यू आर टू वीक एंड आई एम टू स्ट्रांग। द जिम बैज आर प्रिटी, आई कलेक्ट देम। वैसे है कितने तुम्हारे पास जिम बैज? मेरे पास तो टोटल 3 है। मैंने टीम जिम लीडर्स को हराया है, वायलेट सिटी के जिम लीडर एंड उसके बाद अजेलिया टाउन का एंड ये नेक्स्ट गोल्डन रोड सिटी में जो जिम लीडर है उसको। टोटल 3 जिम बैज है मेरे पास। ओ इधर भी और भी ट्रेनर्स हैं, मैं हर एक ट्रेनर से बैटल करूँगा। आई एम गोना शो माई गर्ल फ्रेंड आई एम हॉट स्टफ। अच्छा भाई तुझे तू गलत बंदा से फाइट ले रहा है। अगर तुझे कूल बनना है तो किसी और बंदे को तू पकड़ता, लेकिन मुझसे तूने बैटल करके बहुत बड़ी गलती की क्योंकि तू अभी हारने वाला है। तो इसका नाम एलॉयट है एंड इसके पास सैंड शू है जिसका लेवल 13 है। एंड मुझे एक्सपीरियंस देना है अपने हुट हुट को, तो आ जा हुट हुट। भाई तू डैमेज ले लिया भाई, तू अगर हुट हुट अगर तू फेंडेड हो गया ब्रो, मैं तुझे रिवाइव नहीं कर सकता एंड हील भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पोशन नहीं है। एम्बर अटैक साइड सैंशू के ऊपर इफेक्ट करेगा, ट्राई करके देखता हूँ मैं। एंड ब्रो वन एम्बर अटैक से ही अपने कुलावा ने सैंशू को फेंडेड कर दिया एंड 127 एक्सपीरियंस मिला कुलावा को एंड हुट हुट को भी। ओके तो एलॉयट का नेक्स्ट पोकेमॉन मैरल है जो कि एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। भाई कुलावा तुझे बच के रहना होगा उसके वाटर टाइप अटैक से। तो गैसली तू आ जा ब्रो, तू अपना एक्सपीरियंस लेने आ जा। ओके तो मैरल अपना डिफेंस स्क्रोल यूज़ करके अपना डिफेंस फरा रही है। मैरल का लेवल भी है 15, तो मैं मड स्लैप अटैक यूज़ करता हूँ। मड स्लैप से क्या होगा, मैरल का वाटर टाइप अटैक मिस होगा, डैमेज ज़्यादा नहीं देगा लेकिन उसका एक्यूरेसी फेल हुआ मतलब उसका अटैक मिस होगा। अब मैं क्विक अटैक यूज़ करता हूँ एंड मैरल को जल्दी से फेंडेड करता हूँ। एक क्विक अटैक से तो मैं इसे फेंडेड नहीं कर सकता, मुझे शायद 2-3 बार क्विक अटैक यूज़ करना पड़ेगा तब जाके शायद ये मैरल फेंडेड होगा। आई डोंट नो ब्रो, ट्राई करके देखते हैं ट्राई करने में क्या जाता है अपना। एंड भाई एक और यूज़ करना पड़ेगा, कितनी बार यूज़ करना पड़ा भाई? 3-4 बार क्विक अटैक यूज़ करने वाला तब जाके ये मैरल फेंडेड हुआ। तो कुलावा गेन 93 एक्सपीरियंस पॉइंट एंड गैसली को भी 93 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला। एलॉयट तेरा तो पोप वट हो गया तेरे गर्लफ्रेंड के सामने। हाँ आई विश यू वुड हैव लॉस्ट फॉर मी। भाई क्यों मैं हारूँ तेरे लिए, होता कौन है भाई, तू है कौन? आई वॉज ह्यूमिलेटेड इन फ्रंट ऑफ माई गर्लफ्रेंड। तो और कर भाई बैटल एंड खुद को कूल बन। निकल गया हर एक कूलनेस तेरा। तो भाई इसका गर्लफ्रेंड भी शायद मुझसे बैटल करेगी, तो चलो इससे भी करते हैं। माई बॉयफ्रेंड इज वीक सो आई कैन रिलाई ऑन हिम। तो ब्रेकअप कर लो ना, सिंपल। तो इसका नेम क्या है? पिकनिकर ब्रूकी। तो इसका नेम ब्रूकी है एंड इसके पास पीकाचू है। भाई इसके पास पीकाचू कहाँ से आ गया, मुझे चाहिए था एक पीकाचू। भाई इसका पीकाचू का लेवल 16 है, तो एक्सपीरियंस लेने का टाइम आ चुका है। हुट हुट आ जा यार, हुट हुट कोई अटैक सीख ले अच्छा सा, उसके बाद मैं उनको मतलब कुलावा को इन एक्सपीरियंस नहीं देना पड़ेगा, इन लोगों को शेयर नहीं करना पड़ेगा इनके साथ। तो मैं
एम्बर अटैक यूज़ करता हूँ पीकेचू के ऊपर, इफेक्ट करेगा क्योंकि पीकेचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, तो आराम से अपना क्विलावा हरा सकता है उसके फायर टाइप मूव से। एंड पीकेचू को फेंडेड कर दिया क्विलावा ने, 139 एक्सपीरियंस मिला दोनों को ही, क्विलावा एंड हुट हुट को। एंड ब्रूकी को हमने डिफीट कर दिया। ओ माई, यू आर सो स्ट्रांग। या आई एम टू स्ट्रांग। आई कैन काउंट ऑन माई पोकेमोन मोर देन माई बॉयफ्रेंड। भाई तेरा तो सच में पोपट हो गया। आगे बढ़ते हैं ब्रो, इधर एक और ट्रेनर आ जा भाई, तू भी बैटल कर ले। आई हैव बिन गेटिंग पोकेमोन डाटा ऑफ माई रेडियो, आई थिंक आई एम गुड। रेडियो से तू अपना डाटा लेता है पोकेमोन्स का? वैसे मैं भी अपने पोकेगियर में सुन सकता हूँ रेडियो। अपग्रेड हो कर दिया है मैंने अपने पोकेगियर को लास्ट एपिसोड में। हाँ, गोल्डन टॉल सिटी में जो रेडियो टावर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वहीं से मैंने किया है। तो इस कैंपर का नेम है इवान एंड इसके पास डिगलेट है जिसका लेवल 10 है। भाई ये एक्सपीरियंस ना मैं अपने कुलावा को देना चाहता हूँ इसका 10 वाला का। तो एक एम्बर अटैक यूज़ करता हूँ एंड इस डिगलेट को फेंडेड करता हूँ ब्रो। एंड एक ही एम्बर अटैक से डिगलेट फेंडेड हो गया, 172 एक्सपीरियंस मिला कुलावा को। अब इवान का नेक्स्ट पोकेमोन डिगलेट ही है भाई। ये बहुत सारे लोग दो दो पोकेमोन लेके थे, मतलब सेम पोकेमोन दो तीन लेके क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो ब्रो। तो गैसली तू आ जा भाई, तू इसे गैसली नहीं भाई, साइडक को अभी तक कोई अटैक नहीं आता। वाटर टाइप मूव्स, हेडबट ट्राई करके देखू क्या मैं भाई? मैग्नेटून 6 गया साइडक गया ब्रो, आई नो साइडक गया, टिक नहीं पाएगा ये मैग्नेट्यूड 6 के सामने। भाई बच गया, ठीक है। साइडक को मैं जितना कमज़ोर समझ रहा था वो इतना कमज़ोर है नहीं ब्रो। क्विलावा आ जा यार, साइडक को बचाने तू। ओके, एक अटैक चाहिए हमें इस डिगलेट को हराने के लिए। एम्बर, तो क्विलावा यूज इट एम्बर एंड डिफीट दैट डिगलेट ब्रो। एंड डिगलेट गया, 120 एक्सपीरियंस मिला दोनों को, साइडक को भी। एंड साइडक ग्रो हो गया भाई, साइडक का लेवल अप हो गया, साइडक अब 10 लेवल का हो चुका है। एंड इसने एक नया अटैक भी सीख लिया है डिसेबल, इससे ये अपोनेंट का अटैक को डिसेबल कर सकता है। एंड इवान का नेक्स्ट पोकेमोन है जूबैट, तो जूबैट को हराएगा अपना गैसली। मजाक कर रहा हूँ ब्रो, वो ये किसी को नहीं हरा सकता, इसके पास कोई अटैक ही नहीं है जो मतलब HP रिड्यूस करे, ऐसा कोई अटैक ही नहीं है। तो आ जा भाई क्विलावा एंड डिफीट कर इस जूबैट को। एक एम्बर चाहिए इस जूबैट को हराने के लिए, क्योंकि जूबैट एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। एंड जूबैट गया भाई, एंड 57 एक्सपीरियंस मिला, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इवान को हमने डिफीट कर दिया। और बता भाई तेरे रेडियो के बारे में, आई गिव गिफ्ट तो करेगा ही तू, कमज़ोर जो है। म्यूज़िक ऑन द रेडियो चेंज द मूड्स ऑफ वाइल्ड पोकेमोन, म्यूजिक से सब कुछ चेंज कर सकते हो भाई, तुम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। किसको पसंद नहीं है म्यूजिक बताओ मुझे, एक बंदे को ले आओ एंड बोलो, दिखाओ मुझे कि इसको पसंद नहीं है म्यूजिक। एंड अगर तुमने दिखा दिया तो मैं उसको बोलूँगा तू मार्स से आया है भाई, तू अर्थ का नहीं है। आई एम प्रैक्टिसिंग माई फायर ब्रीदिंग, भाई ये फायर ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा था, ये अवतार यूनिवर्स से आया है क्या ब्रो? ओके, ये एक फायर ब्रीदर है वॉल्ट, ये मुझसे बैटल करना चाहता है। एंड ये फायर ब्रीदर है, इसका मतलब इसके पास सारे फायर टाइप पोकेमोन होगा। एंड मेरे पास भी है भाई, इसके पास मैग्मार है ब्रो, मैग्मार है इसके पास, इतना ओपी पोकेमोन। तो क्विक अटैक यूज़ कर क्विलावा। हाँ, इस मैग्मार का एक्सपीरियंस सिर्फ क्विलावा ही लेगा। ओके, एम्बर अपना अपना अटैक खा के देखते हैं भाई। भाई 1 HP रिड्यूस हुआ लिटरली। एक और क्विक अटैक एंड इस मैग्मार को डिफीट करते हैं। ये तो गया 393 एक्सपीरियंस, देख रहे हो तुम कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। अब वर्ल्ड का नेक्स्ट पोकेमोन वही मैग्मार है, तो इस बार मैं शेयर करने वाला हूँ। किसके साथ शेयर करूँ मैं एक्सपीरियंस? आई थिंक मैं गैसली नहीं भाई, हुट हुट के साथ शेयर करता हूँ भाई। कोई अटैक मत कर देना, अच्छा हुआ अटैक नहीं किया मैग्मार ने, अगर कर देता तो क्विलावा तो जाता भाई। स्मग अटैक यूज़ किया, मतलब पॉइजनस मत होना है तुझे। ओ भाई हो गया ये पॉइजनस, एक एंटीडोट गया। तो मैं जल्दी से इसे 2 क्विक अटैक यूज़ करके हरा देता हूँ। इस मैग्मार का लेवल भी 13 ही है, तो 2 क्विक अटैक यूज़ किया एंड ये मैग्मार गया।
231 एक्सपीरियंस मिला अपने क्विलावा को, एंड क्विलावा 27 लेवल का हो चुका है, एंड हूट को भी वही 231, एंड हूट का भी लेवल अप हो चुका है, एंड हूट अभी बन चुका है 12 लेवल का। तो ब्रो फायर ब्रीदर वर्ल्ड को हमने डिफीट कर दिया, बहुत इजी था इसे डिफीट करना, इसके पास अच्छे पोकेमोन थे लेकिन ये मेरे सामने टिक नहीं पाया। वो आई स्क्रूड एट द टिप ऑफ माई नोज, तो मैं क्या करूँ भाई, जो मन है वो कर। अरे यार एंटीडोट देना पड़ेगा अपने बेस्ट बडी को, नहीं तो ये नहीं होगा तो मैं जा नहीं पाऊँगा। हो के फायर ब्रीदर कुछ बोलना है तुझे? द पोकेमोन मार्च ऑन द रेडियो लॉर्ड्स वाइल्ड पोकेमोन। ओ ठीक है भाई, बहुत सुन लिया रेडियो वेडियो का। बिहोल्ड माय ग्रेसफुल बॉल डेक्सटेरिटी, ये कौन है भाई, इसने इतने भारी वर्ड को ये यूज़ कर रहा है, कौन है ब्रो तू? अभी पता चल जाए। अच्छा तो ये जगलर है, जगलर एरविन। एरविन के पास बहुत सारे पोकेमोन है, 4 पोकेमोन है टोटल। फर्स्ट पोकेमोन है वोल्ट्रॉप, भाई 2 लेवल का वोल्ट्रॉप, ये वोल्ट्रॉप अभी क्या 1 से हैच हुआ है? 1 क्विक अटैक भाई इस वोल्ट्रॉप को साथ, क्या मैं दूसरे पोकेमोन के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ? तो 43 ठीक है, 2 लेवल का इतना भी बैड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पोकेमोन वोल्ट्रॉप, सेम पोकेमोन ये यूज़ करेगा, इसका लेवल कितना होगा? 2 नहीं भाई, इसका 4 ज़्यादा है। तू हरा नहीं सकता क्या? हूट इसे हरा सकता है, 4 लेवल का है तो आराम से हरा सकता है भाई। पिक अटैक भी ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा, टैकल अटैक यूज़ किया इसने। ओ टैकल अटैक अपने हूट के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा वोल्ट्रॉप का अटैक, क्योंकि वोल्ट्रॉप का लेवल बहुत कम है। भले ही वोल्ट्रॉप के पास एडवांटेज था लेकिन ये टिक नहीं पाया अपने हूट के पास सामने। 132 नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं ब्रो। एरविन का नेक्स्ट पोकेमोन है वोल्ट्रॉफी, एंड लेवल 10 है भाई, 4 लेवल ज़्यादा है लास्ट वाले से। तो स्विफ्ट अटैक भाई, टैकल यूज़ किया वोल्ट्रॉप ने, एंड डैमेज तो दिया, इतना भी नहीं लेकिन दिया भाई, डिसेंट डैमेज था। शायद मुझे 3 बार स्विफ्ट अटैक यूज़ करना पड़ेगा तब जाके ये वोल्ट्रॉप फेंटेड हो गया। ओके एक और ट्राई करते हैं वोल्ट्रॉप, भाई थोड़ा सा बच गया तो ये लास्ट पिक अटैक, एंड ये गया। हो एक्सपीरियंस 220 एक्सपीरियंस मिला हूट को, एंड हूट का लेवल हो चुका है 13, अपना हूट अब 13 लेवल का हो चुका है। जगलर एरविन इज अबाउट टू यूज़ वोल्ट्रॉप, अब एक और बार ये वोल्ट्रॉप यूज़ करने वाला है भाई। इसके पास टोटल 4 वोल्ट्रॉप थे, ये 4 वोल्ट्रॉप लेके कर किधर से इसने पकड़े भाई 4 वोल्ट्रॉप, और कोई पोकेमोन नहीं है क्या इस दुनिया में भाई? ये एक वोल्ट्रॉप ट्रेनर है। पिक अटैक नहीं यार, ये बेकार पिक अटैक क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मुझे स्विफ्ट अटैक यूज़ करना चाहिए था भाई। डिफेंस अपना हूट का तो गया भाई, पिक अटैक कुछ नहीं इफेक्ट करा इसके ऊपर। स्विफ्ट अटैक स्क्रैच, फिर से सर स्क्रैच यूज़ कर रहा था ये वोल्ट्रॉप, लेकिन हाँ लगा नहीं इसका वो स्विच अटैक। ओके स्क्विच अटैक था ना वो, आई डोंट नो ब्रो। तो हूट यूज़ कर एक लास्ट स्विफ्ट अटैक, एंड इस वोल्ट्रॉप को फेंडेड कर 309 एक्सपीरियंस मिला अपने हूट को। अब चेंगलर एरिविन हो चुका है डिफीट मुझसे। ओह दैट वाज अ चॉल्ट, या आई एम गना डू समथिंग, आई वाज गोइंग टू डजल वी विथ माय प्राइज पोकेमोन। अच्छा इसको ये सारे वोल्ट्रॉप प्राइज से मिला है भाई, बट योर पावर्स इलेक्ट्रीफाइड में, यू आर द बेस्ट आई हैव बैटल एड। भाई आज तक इसने किसी से मुझसे बहुत अच्छा ट्रेनर इसने कभी तक नहीं देखा, आज तक कभी नहीं देखा। ओह यू आर द वन हु सेव ऑल द स्लो बुक, हाँ मैंने बजा था स्लो बुक को एजेलिया टाउन में भाई, मैं फेमस हो गया स्लो बुक के वजह से। वेल नो वंडर आई कुंड बीट यू, विल इट्स बी ओके टू गेट योर नंबर, ये मेरा फ़ोन नंबर मांग रहा है, दे दूँगा इसे। आई डोंट वॉन्ट टू मिस एनी थिंग यू डू फ्रॉम नाउ ऑन, दे देता हूँ भाई। एरविन रजिस्टर हो चुका है अपने पोकी गियर में। ओ जी थैंक्स, नाउ आई कैन कॉल यू एनी टाइम वट एवर एनी थिंग अप और नॉट यू नो जस्ट टू चैट, या आगे बढ़ते ब्रो। किसने फ़ोन कर दिया भाई? लीज भाई मैं नहीं बात करना, मैं स्किप करने वाला हूँ, आगे बढ़ते हैं।
रूट 35 ये सेम बोर्ड मैंने उधर भी देखा था जब मैं इधर इंटर किया इस रूट 35 में। ये ऑफिसर है ना, ये क्या कर रहा है इधर पेट्रोलिंग? डेंजर लर्क्स इन द नाइट। और रात में तो डेंजर होगा है, एंड मैं रात में ही निकल रहा हूँ, मतलब आई एम बैटमैन ब्रो, आई एम वेंजेंस। हु, लेकिन मेरा सिग्नल किधर है? बैट सिग्नल। ओके, ऑफिसर ड्रिक मुझसे बैटल क्यों कर रहा है, आई डोंट नो। एंड इसके पास दो पोकेमोन है, फर्स्ट है राउलेट जिसका लेवल 14 है, तो एक्सपीरियंस शेयर करना तो बनता है गैसली के साथ। आ जा गैसली यार। वो भाई इसने रोड यूज़ करके स्विच कर दिया है पोकेमोन्स को, तो कुलावा आ भाई इसको जल्दी से हटा इधर से, नहीं तो ये डैमेज देगा। ओके, दो क्विक अटैक लगा इस राउलेट के ऊपर, एंड ये गया भाई। 19 करके एक्सपीरियंस मिला हुट गैसली एंड कुलावा को, एंड गैसली का लेवल अप हो चुका है, एंड गैसली अभी 14 लेवल का हो चुका है। ड्रिक अब यूज़ करने वाला है राउलेट। भाई राउलेट, इतने राउलेट मिलते कहाँ से थे इन लोगों को? एंड सेम पोकेमोन क्यों ये लोग यूज़ करते हैं, आई डोंट नो ब्रो। ओके, राउलेट ये ले, एम्बर, असली एम्बर खा के देख ब्रो, तब तू बता मुझे कैसा लगा। ओके, मुझे लगा कि एक एम्बर से ये लोंडा फेंडेड हो जाएगा, लेकिन नहीं, सख्त है बहुत। तो क्विक अटैक मारना पड़ा इसके ऊपर, एंड ये गया। 135 एक्सपीरियंस मिला गैसली एंड हुट को, हुट को नहीं भाई, कुलावा को। उप्सी डुप्सी, यू नो नाइट टाइम इज फन इट्स ओन वे। या ब्रो, हर एक चीज़ डिफरेंट है, डे एंड नाइट इज डिफरेंट, बट डोंट ओवर डू इट। ओके ओके, ठीक है, ओवर डू नहीं करूँगा मैं। ये कौन है? हु इज द नेक्स्ट बग कैचिंग कॉन्टेस्ट गोइंग टू बी? आई डोंट नो ब्रो, बग कैचिंग कॉन्टेस्ट कब होगा? मैं तो अभी इधर आया, मुझे लगा कि तू बता सकता है मुझे। इससे पूछता हूँ भाई, ये शायद बता सकता है। वी होल्ड कॉन्टेस्ट रेगुलरली इन द पार्क। अच्छा, पार्क में ये कॉन्टेस्ट रेगुलरली करते हैं। यू शुड गिव इट ए शॉट। ओके, आई एम गोना ट्राई इट ब्रो, जरूर ट्राई करूँगा मैं। अगर मैं इधर पोकेमोन को हील कर सकता था तो अच्छा होता। ये नेशनल पार्क है, ये लोग क्या कर रहे हैं, करने इधर आए हैं? आई गेट द अदर गाय पोकेडेक्स स्टिकर्स इफ आई विन। अच्छा, अगर ये जीत गया तो ये दूसरे बंदे का पोकेडेक्स स्टिकर मिलेगा उसे। वैसे स्टिकर लेकर करेगा क्या? आई एम प्लेइंग विथ स्टिकर्स आई प्रिंटेड फ्रॉम माई पोकेडेक्स। पोकेडेक्स से ये स्टिकर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था ब्रो। हो, इधर एक बोर्ड है, क्या है? रिलैक्सेशन स्क्वायर नेशनल पार्क। तो इधर तुम रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि इधर बोर्ड लगा है रिलैक्स करने का, इसीलिए। आई टेक वॉक इन द पार्क बट आई नेवर गो इन टू द ग्रास। कौन से ग्रास के बारे में बात कर रही है? क्यों ग्रास में नहीं जाती? वाइल्ड पोकेमोन की वजह से ट्रेनर ऑलवेज वॉन्ट टू बैटल। अच्छा, उधर ग्रास वाले जो ट्रेनर से वो सिर्फ बैटल करना चाहते हैं, एंड मैं चाहता हूँ बैटल करना, तो मैं जाऊँगा उधर ज़रूर। लेकिन मैं पहले इधर देख लूँ, ये कौन सा पोकेमोन है? ये फलफिक्स है? नहीं भाई ब्रो, ये तो पर्शियन है। हाँ, मैं बहुत ही गलत था। पे अटेंशन प्लीज़। क्यों मैं अटेंशन करूँ? उप्स, आई हैव क्वाइट थिंकिंग इट्स आई ए टीचर ऑल द टाइम क्विट। अच्छा, क्विट थिंकिंग, इसको लगता है ये हर वक्त ही टीचर है। यू मस्ट बी ए पोकेमोन ट्रेनर। यस, आई एम ए पोकेमोन ट्रेनर। सिंस यू आर वर्किंग सो हार्ड आई वॉन्ट टू हैव दिस। सच में ये मुझे कुछ दे रही है, आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, इसीलिए हर एक ट्रेनर को मिलता है क्विक लॉ। इससे क्या होगा क्विक लॉ से? लेट ए पोकेमोन होल्ड दैट क्विक लॉ सम टाइम इट विल स्ट्राइक फर्स्ट। अच्छा, ड्यूरिंग बैटल। अच्छा, बैटल में ये स्ट्राइक फर्स्ट करेगा अगर मैं किसी पोकेमोन को ये पकड़ाऊँगा तो। ठीक है भाई, किसको दूँ मैं क्विक लॉ? मैं साइडक को देने वाला हूँ क्विक लॉ। तो क्विक लॉ ये रहा क्विक लॉ। गिव इट साइडक ब्रो, आई एम गोना गिव साइडक। ओके, एंड मैं जाने वाला हूँ ग्रास में, मैं बैटल करूँगा बहुत सारे ट्रेनर से। इधर एक बोर्ड है, पहले बोर्ड पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज़ दिस नोटिस? क्या है इस नोटिस में? प्लीज़ बैटल ओनली इन द ग्रास नेशनल पार्क वार्डन ऑफ पेश।
ये वार्डन ने ये बोर्ड लगा के रखा था, बैरल करने बोल रहा है ये, तो चलो बैरल करते हैं। दी वर्ल्ड ऑफ पोकेमोन इज डीप, देयर आर स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग वी डोंट नो। या ब्रो, बहुत मिस्ट्री अभी सॉल्व करना बाकी है, बट आई नो मोर देन यू डू। सच में तू अब ज़्यादा मीन बन रहा है, तुझे सच में लगता है तू मुझसे ज़्यादा जानता है भाई? नहीं, तू अभी स्कूल बॉय है एंड मैं एक ट्रेनर हूँ। तो स्कूल बॉय जैक मुझसे बैरल करना चाहता है एंड मुझे बोल रहा है ये मुझसे ज़्यादा जानता है, तो भाई इससे तो सबक सिखाना बनता है। तो इसके पास ऑडिस है जो कि ग्रास टाइप पोकेमोन है जो कि 12th लेवल का है, तो अपना हुट हुट अपने पिक अटैक से शायद इससे जल्दी हरा सकता है, लेकिन इसने स्विच सेन यूज़ किया तो शायद ये अटैक नहीं करेगा हुट हुट। नहीं ब्रो, अपना हुट हुट तो सिग्मा निकला, इसने अटैक किया एंड ब्रो पिक अटैक बहुत डैमेज दिया। दोबारा से ये स्विच सेन यूज़ कर रहा है हुट हुट के ऊपर, लेकिन नहीं ब्रो हुट हुट ये सब नहीं बनने वाला है इस सब सेंस के पीछे, ये तो हराएगा। एंड ऑरिश ने हराया ब्रो, 99 एक्सपीरियंस मिला कुलावा एंड हुट हुट को, एंड हुट हुट का लेवल हो चुका है 14। हुट हुट अब 14 लेवल का हो चुका है। स्कूल बॉय जैक इज़ अबाउट टू यूज़ वॉल ड्रॉप, तो अब ये वॉल ड्रॉप यूज़ करने वाला है, तो भाई एक्सपीरियंस तो देना बनता है। तो स्विफ्ट भाई 15 लेवल है भाई, मैं नहीं देने वाला रिक्स। कुलावा आ जा ब्रो एंड जल्दी से इसे फेंडेड कर, एक एम्बर चाहिए मुझे इस वॉल ड्रॉप को हराने के लिए, एंड हार जाएगा ये। जस्ट वन एम्बर अटैक, नहीं भाई थोड़ा सा 1 HP बच गया इसका, तो मड स्लैब से इसका स्लैब ने स्लैब करता हूँ इसे। एंड वॉल ड्रॉप गया, 163 कुलावा एंड हुट हुट को एक्सपीरियंस मिला। स्कूल बॉय जैक अब क्या बोलना है भाई, हारने के बाद तुझे अभी भी लगता है कि तू मुझसे ज़्यादा जानता है? नो ब्रो, यू आर जस्ट अ किड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अ लॉट टू लर्न। या फॉर एग्जाम्पल देयर आर 50 काइंड्स ऑफ TM, आई नो ब्रो ये मुझे पता है 50 काइंड ऑफ TM। ट्रेडेड पोकेमोन लेवल अप फास्टर, यू नॉलेजेबल एंड नॉलेज इज़ इम्प्रेसिव, योर नॉलेज इज़ इम्प्रेसिव। भाई अपने नॉलेज से इस बंदे को मैंने इम्प्रेस कर दिया, आई लाइक दैट। वॉन्ट टू ट्रेड बैटल टिप्स? सच में ओके, आई विल फोन इफ आई गेट गुड इंफॉर्मेशन। विल यू टेल मी योर नंबर? यस ब्रो। ओ ओके, टू बैड। वेल इफ यू हैव इफ यू एवर वॉन्ट माई नंबर कम सी मी अगेन। ओके, शायद मुझे अपने पोके गेयर से एक नंबर को डिलीट करना पड़ेगा। टोटल मैं सिर्फ 10 लोगों का ही नंबर रख सकता हूँ, तो मैं जोई का नंबर डिलीट करके इस स्कूल बॉय जैक का नंबर लेने वाला हूँ। तो भाई ले लेता हूँ मैं, जैक का नंबर ले लिया। आई विल कॉल यू इफ़ आई हेयर एनी थिंग। भाई ज़रूर कॉल करना अगर तूने कुछ सस्पिशियस सेंस किया तो। वाइल्ड पोकेमोन? नो भाई, स्पिनर एक्ट। मैं स्पिनर एक्ट को कैच करूँ क्या भाई? स्पिनर एक्ट के ऊपर कोई पावरफुल अटैक भी नहीं कर सकता, नहीं तो ये जाएगा भाई। ओके, 1 HP है इसका, तो शायद मेरा लक है आज इसे कैच करने का। पोकीबॉल से है क्या मेरे पास? यस, एक पोकीबॉल है नॉर्मल, तो यूज़ करता हूँ मैं स्पिनर एक्ट के ऊपर। एंड ब्रो स्पिनर एक्ट को हमने कैच कर लिया है एंड ये चला गया है पोकीडेक्स बिल के PC में। एंड 167 इसका पोकेडेक्स एंट्री है। गिव ए निकनेम टू स्पिनर एक्ट? नो, आई एम नॉट गोना गिव ए निकनेम टू हर, टू हिम और हर, आई डोंट नो ब्रो। माय पोकेमोन आर सिंपली डार्लिंग, लेट मी टेल यू हाउ प्राउड माय डार्लिंग मेक्स मी। ठीक है भाई, बता कितना प्राउड कराता है तुम्हारे पोकेमोन तुम्हें। तो ये एक पोकी फैन है एंड इसका नेम ब्रेवली है एंड इसके पास एक ही पोकेमोन है जो कि स्नबल। बहुत ही ईजी होगा स्नबल को हराना। स्नबल को हराने के लिए मुझे सिर्फ 2 अटैक चाहिए, 2 नहीं भाई, एक ही अटैक से शायद हो सकता है अपना काम। एम्बर अटैक ट्राई करता हूँ स्नबल के ऊपर एंड ब्रो एक ही एम्बर अटैक से स्नबल को डिफीट कर दिया अपने कुलावा ने एंड 189 एक्सपीरियंस मिला कुलावा को एंड ब्रेवली को हमने डिफीट कर दिया। आई कैन बीट यू इन प्राइड। वो तो अब तो तुम बोलोगे ही अनाप शमाप, लेकिन तुम प्राइड में भी मुझे नहीं हरा सकती एंड बैटल में ही, बैटल में भी नहीं, प्राइड में इसलिए नहीं हरा सकती तुम क्योंकि मैं जोरो का फैन हूँ इसीलिए। माय फ्रेंड्स गिव मी ए मैरल। नो ब्रो, माय फ्रेंड्स कीप्स ए मैरल। इसका फ्रेंड के पास मैरल है तो मैं क्या करूँ?
आई फाइंड दम वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक कैच कर लो तुम, ओ आई विश फॉर ए पू मैरल फॉर माई ओन, या जो मैंने बोला वही करो। वाइल्ड पोकेमोन हूट हूट तो है मेरे पास भाई, इधर 13 लेवल का हूट हूट था, अभी तक मैं क्या कर रहा था, इधर आके मैं कैच नहीं कर सकता था। अगर लुक चेक आउट माई बैग, वैसे है क्या तुम्हारे बैग में, आई प्रिंटेड आउट माई फेवरेट पोकेमोन पोकेमोन भैया माई पोकेडेक्स इज पोकेडेक्स एंड स्टक देम ऑन माई बैग। ओके भाई ये अपना स्टीकर दिखा रही है, बैग दिखा रही है अपना, मैं इंटरेस्टेड नहीं उसके बैग में। हूट हूट ब्रो, एक और हूट हूट भाई, जब मुझे ट्रेनर दिखेगा मैं तभी जाके बैटल करूँगा। ओ हेलो व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, नहीं मैं जैसे इधर से घूम रहा था। ओ बैटल, या मुझे बैटल करना है तुम्हें बैटल। ओके तो ये लैस का मीनिंग क्या है ब्रो, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम लोग बता सकते हो क्या इसका मीनिंग क्या है। लैस क्रिस कृषि के पास दो पोकेमोन है, फर्स्ट है ऑरिश, तो अपना क्विलावा तो इस ऑरिश को एक ही एम्बर अटैक से हरा सकता है, क्योंकि अपने क्विलावा के पास एडवांटेज तो है ही, प्लस उसके पास फायर टाइप मूव है एंड उसका लेवल बहुत ज़्यादा है इससे, इसीलिए ये तो गया ऑरिश। 199 एक्सपीरियंस मिला क्विलावा को। एंड नेक्स्ट पोकेमोन कृषि का है क्यूबॉन एक भाई कौन सा ग्राउंड टाइप है शायद, गैसली आ जा भाई क्यूबॉन का लेने एक्सपीरियंस, तो मुझे स्विच करना पड़ेगा कुलाबा से, क्योंकि भाई इस नहीं लड़ सकता गैसली, एक एम्बर काफ़ी होगा इस क्यूबॉन को डिफीट करने के लिए। या ब्रो नहीं भाई थोड़ा सा एचपी बच गया। एंड ब्रो इसने कुलाबा को कैसे फिनिश कर दिया भाई, इसका मूव कितना पावरफुल था भाई जो कुलाबा को हरा दिया इसने, यार फर्स्ट टाइम मैं अपना क्विलावा हारा है ब्रो, काश मैंने यूज़ करके रखा था उसके ऊपर सुपर पोशन, एक सुपर पोशन है मेरे पास। हुट एंड गैसली ने 138 एक्सपीरियंस गेन किया ब्रो, एंड कृषि को हमने डिफीट कर दिया, या हमने डिफीट कर दिया उसे, बहुत इजी था उसे डिफीट करना। नहीं ब्रो मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि इसने क्विलावा को हरा दिया भाई अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को। आई थॉट यू आर स्टेयरिंग एट मी बिकॉज आई एम क्यूट, यस इसीलिए मैं स्टेयर कर रहा था, एंड उसका भी ये रीज़न था बैटल भाई। साइडक है इधर 12 लेवल का, नहीं पकड़ना मुझे साइडक, तो मैं जल्दी से पोकेमोन सेंटर जाके हील करूँ। नहीं यार मेरे पास रिवाइव है, मैं नहीं जाने वाला इतने दूर। रिवाइव तो था मेरे पास, रिपेल नहीं ब्रो, रिवाइवल हर्ब इससे रिवाइव कर सकता हूँ क्या, या ब्रो रिवाइवल हर्ब से मैं रिवाइव कर सकता हूँ, एंड मैंने रिवाइव कर दिया क्विलावा को। अब मुझे ध्यान से बैटल करना पड़ेगा, अगर अपना क्विलावा का लेवल कम एचपी कम होगा तो मुझे पोशन देना पड़ेगा उसे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा मुझे। वाइल्ड पोकेमोन की बरसात हो गया ब्रो इस नेशनल पार्क में, और कौन है क्या इससे, तो मैंने बैटल किया इस लड़की से, इसका फ्रेंड के पास मैरल है, और कौन है इधर नेशनल पार्क में, कोई कॉन्टेस्ट चल रहा था लेकिन कहाँ है कॉन्टेस्ट, मुझे तो नहीं दिख रहा कॉन्टेस्ट ब्रो, ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं क्या। ओ इधर एक और ट्रेनर है, ये एक ओल्ड मैन है मुझे लग रहा है। वी अडोर आवर पोकेमोन इवन इफ दे डिसलाइक अस, सच में डिसलाइक करते हैं ये पोकेमोन तुम्हें, तो उनको भाई मनाओ, अगर नहीं मानता है तो उसे छोड़ दो, रिलीज़ कर दो। दैट्स वॉट बींग ए फैन इज अबाउट, या ब्रो फैन इज एवरीथिंग, क्या पख रहा हूँ मैं। तो पोकी फैन विलियम के पास एक ही पोकेमोन है, एंड इसके पास रायचू है ब्रो, रायचू को देखो भाई ड्रिप देखो रायचू का। ओके रायचू को हराएगा अपना कुला भाई, क्योंकि अगर मैंने स्विच किया तो भाई जो भी पोकेमोन आएगा वो तो जाएगा रायचू से फेंटेड होके। थंडर बोल्ट यूज़ कर रहा है ब्रो क्विलावा के ऊपर, 68 HP बचा सिर्फ 68। ओके भाई तो एम्बर अटैक पड़ा इस रायचू के ऊपर, एंड ये गया 366 एक्सपीरियंस मिला क्विलावा को, एंड विलियम को हमने आसानी से डिफीट कर दिया। माय पोकेमोन, हाँ क्या हुआ तुम्हारे पोकेमोन को,
आई लॉस्ट द बैटल बट माई पोकेमोन विन द प्राइज फॉर बींग मोस्ट लवली. या ब्रो दे आर द लवली, दे आर लवली. दिस इज मेल आई गॉट फ्रॉम माई डॉटर. ओके, इसके डॉटर ने इसे मेल दिया है, देखते हैं क्या है. इट्स चेयर मी अप. ओके, मैंने पढ़ा नहीं, पन्ने दिया नहीं इस लेडी ने. हाँ, ऐसे देखना था मुझे क्या लिख के भेजा है उसके डॉटर ने. ये कौन है भाई, ये ट्रेडर है क्या? आई प्रिंटेड आउट माई पोकेडेक्स. यू कैन ऑल्सो प्रिंट आउट स्टफ लाइक मेल एंड योर पीसी बॉक्सेस. सच में मैं नहीं करने वाला कोई फ्रेंड फ्रेंड, एंड मेरे पास फ्रेंड करने के लिए है भी नहीं कुछ. तो ब्रो, नेशनल पार्क में तो कॉन्टेस्ट चल रहा था, लेकिन किधर है कॉन्टेस्ट? मुझे तो नहीं दिख रहा कॉन्टेस्ट, सिर्फ कुछ ट्रेनर्स दिख रहे हैं इधर, और कुछ नहीं है ब्रो. इससे मैंने बैटल किया था क्या? आई डोंट नो ब्रो, अभी पता चल जाएगा. जैसे मैंने बैटल करके रखा है, ये किधर ले जाएगा मुझे? सम पोकेमोन कैन ओनली बी सीन इन द पार्क. सच में पार्क में कुछ पोकेमोन मिलेंगे, बाहर में नहीं मिल सकते. आई डोंट नो ब्रो व्हाई दिस इज द लॉजिक, क्योंकि आई डोंट नो. जाके देखते हैं. वैसे इधर कॉन्टेस्ट चल रहा था कि, लेकिन किधर है कॉन्टेस्ट? शायद ये लोग वेनोनेट तो है मेरे पास, ये कोई रेयर नहीं है, पहले ही मिल चुका है मुझे. और कोई तो दिख नहीं रहा मुझे, शायद ट्रेडर्स है नहीं इतने जितना मैं सोच रहा था, उतने ट्रेडर्स है नहीं. अबे इधर क्या है? पोकेबॉल पड़ा हुआ है, मुझे चाहिए था वो, लेकिन ले नहीं सकता. आई डोंट नो ब्रो, ये पूरा लॉक है यार, साइड है खटना यार. ओके, इधर जाके देखता हूँ ये क्या है. अच्छा, ये रूट 36 है. इधर एक ट्री है, ये ट्री किस चीज़ का ट्री है ब्रो? बेरीज का. इट्स ए फ्रूट बेरिंग ट्री. हे, इट्स आइस बेरी. तो ये आइस बेरी है, मतलब आइस टाइप मूव को ये क्योर कर सकता है. आइस टाइप मतलब मूव, मतलब वो फ्रीज फ्रीज करने वाला, फ्रीज अगर कोई हो भी गया तो इसे यूज़ करके उसे नॉर्मल किया जा सकता है. आइस बेरी. ट्रेनर टिप्स, पोकेमोन स्टेट्स वेरी इवन विद इन द सेम स्पीशीज. देयर स्टार स्टेट्स मे बी स्मॉलर एट फर्स्ट, हाउएवर डिफरेंस विल बिकम प्रोनाउंसेड एज द पोकेमोन ग्रो. मतलब जब इवॉल्व होंगे तब उनका, उन लोगों का ज़्यादा बढ़ेगा ब्रो स्टेटस. आई डोंट नो ब्रो क्या कहते हैं इसे. आई एम गोइंग टू रीड योर थाट्स. अच्छा, ये मेरा थाट्स को रीड कर सकता है, ये क्लेम कर रहा है. तो देखते हैं ये कैसे क्लेम, कैसे बता सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ. तो इसके पास तीन पोकेमोन है, एंड इसका नेम है साइकिक मार्क. साइकिक मार्क के पास एब्रा है जिसका लेवल 13 है. तो ब्रो, एक एब्रा के लिए एक एम्बर ही काफ़ी होगा, एंड ये ख़त्म हो गया. तो 202 एक्सपीरियंस मिला कुलावा को. अब नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं मार्क का. तो नेक्स्ट पोकेमोन आबरा ही है. तो भाई ये छोटे मोटे आबरा डाबरा को अपना, ये छोटे मोटे ही पोकेमोन हरा सकते हैं आराम से. तो मैं पिक ट्राई करता हूँ ब्रो. एक्यूरेसी फेल है इसीलिए लगा नहीं. स्विफ्ट अटैक, स्विफ्ट अटैक का भाई लगा. स्विफ्ट अटैक का इफेक्ट देखो, फ्लैश यूज़ कर रहा है ये, एक्यूरेसी फेल कर रहा था. लेकिन नहीं भाई, इसका काम नहीं आया एक्यूरेसी, क्योंकि अपने पास, अपने हुट हुट के पास एक ऐसा आई है जो ये सब देख सकता है. कन्फ्यूजन हॉट हॉट, अबे हॉट हॉट क्यों बोल रहा हूँ मैं. हुट हुट गेन 202 एक्सपीरियंस पॉइंट. एंड मार्क अब अपना लास्ट कार्ड चलाने वाला है जो कि है कैडाब्रा. एंड मैं कैडाब्रा को हुट हुट से जरूर बिल्कुल नहीं बैटल करा सकता, क्योंकि ये बंदा बहुत डेंजरस लग रहा है. डेंजरस मतलब ये मुझे, मतलब हरा सकता है, इसीलिए ऐसा मुझे लगता है. तो भाई एम्बर अटैक चाहिए इस कैडाब्रा को डिफीट करने के लिए. दो, एंड ये गया भाई. 231 एक्सपीरियंस मिला हुट हुट एंड कुलावा को. एंड हुट हुट का लेवल हो चुका है अप, एंड हुट हुट अप 15 लेवल का हो चुका है. एंड हमने मार्क को डिफीट कर दिया, बहुत ही इजी था इसे डिफीट करना. आई मिसरीड यू. या ब्रो, तूने मिसरीड किया जब तूने मुझे बोला कि मैं तुम्हें रिपोर्ट करने वाला हूँ, तभी मैं समझ गया था कि तुमसे ना हो पाएगा ब्रो. आई हैड टू बी स्ट्रॉन्ग इफ ओनली आई कुड फील टेल व्हाट माय अपोनेंट वाज थिंकिंग.
सच में ब्रो, आई डोंट नो ब्रो, मुझे ये अंडरस्टैंड नहीं है, मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई हैड बी स्ट्रांग इफ ओनली आई कुड टेल व्हाट माय अपोनेंट वाज थिंकिंग। सच में ये सा तो सभी लोग भूल सकते हैं। इधर है क्या ब्रो, रूट 36 क्या है ये? मुझे कट मूव चाहिए इस ट्री को कट करने के लिए, एंड मेरे पास ऑडिश तो है नहीं। मुझे अपने किसी एक पोकेमोन को सिखाना पड़ेगा ये कट मूव, एंड ब्रो मैं सिखाने वाला हूँ। तो भाई किधर गया ये टीम? अरे इधर ही तो है ना टीम, टीम सेक्शन इधर ही है ब्रो। ओह शिट मैन, ये कहाँ गया? ये आ गया, कट कट HM, ये लौंडा ही सीख सकता है। कोई लावा तो मैं इसका एक मूव को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ हमेशा के लिए, कट सिखा के इसे। एंड कौन से मूव को मैं डिलीट करूँ ब्रो? ये लड़ा सीखा क्यों नहीं ब्रो? मैंने गलत पोकेमोन चूज़ कर लिया था क्या? नहीं यार, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। फ्यूरी कटर को मैं डिलीट करता हूँ, एंड ये कट अटैक सिखाता हूँ। फ्यूरी कटर भी एक अच्छा मूव है, लेकिन गया ही है। एंड मैंने स्लैश सिखा दिया है, इससे स्लैश कर सकता है ये। एंड ये हो गया एक पाथ क्लियर। आई विल गो एनी वे इफ बग पोक्यूमॉन अपरेट देयर। अच्छा सच में किधर भी जाए चला जाएगा ये अगर बग पोक्यूमॉन अपरेट हुआ। तो ब्रो ये एक बग कैचर है, एंड इसके इसका नेम है एरिन है, एंड इसके पास एक ही पोक्यूमॉन है जो कि है वेनोनेथ, जिसका लेवल 15 है। तो एक एम्बर एंड इसको का काम क्लियर करता हूँ मैं ब्रो। वेनोनेथ तो गया यार, अब कुलावा को 240 एक्सपीरियंस मिला, एंड ब्रो एरिन को हमने आराम से डिफीट कर दिया। मुझे कुछ स्पेशल पावर की यूज़ करना भी नहीं पड़ा है। माई वेनोनेट वॉन मी द बग कैचिंग कॉन्टेस्ट एट द न्यू नेशनल पार्क। लेकिन मैं तो गया था नेशनल पार्क में ब्रो, कोई कॉन्टेस्ट नहीं मिला। डू यू गेट द फीलिंग दैट देयर आर मोर रेयर पोकेमोन अराउंड? यस ब्रो, तुम अंदाज नहीं कर सकते हैं कितना हो सकता है। आई एम पॉजिटिव देयर आर, सो आई लुक द टाइम। भाई सच में गुड न्यूज़ विद एवरी वन। आई नो, गिव मी योर फोन नंबर, या नो स्पेस ब्रो, मुझे फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, तो स्पेस देना पड़ेगा इसे ब्रो। बॉडी शेमिंग आ गया, तो किससे रखूँ मैं? आई डोंट नो ब्रो, मैं किस नहीं कर पा रहा किसे मैं रखूँ। आई डोंट नो ब्रो, आगे बढ़ते हैं। हूट 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 हूट, नो ब्रो हूट हूट नहीं चाहिए। उधर एक पोकी बॉल है, मैं मुझे देखना है उस पोकी बॉल में मुझे क्या मिलेगा। एब्रा भाई गया, एब्रा के ऊपर कोई पोकी बॉल वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट पोकी बॉल भाई। कुलावा का लेवल हो चुका है 28, अपना कुलावा 28 का हो चुका है ब्रो। हाँ तू क्या कर रहा है? व्हाट काइंड ऑफ बॉल्स डू यू यूज़? व्हाट यू मीन भाई, कौन सा बॉल यूज़ कर रहा हूँ मैं? कुछ फूड वर्ड के बारे में बात करना भाई। बर्ड कीपर ब्रायन, तो बर्ड कीपर ब्रायन मुझसे बैरल करना चाहता है, एंड इसके पास पिज्जी है जिसका लेवल 12 है। तो एक एम्बर एंड ये पिज्जी हो गया, पिज्जी नगेट, एंड पिजी गया भाई। 141 एक्सपीरियंस मिला कुलावा को। अब नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं। नेक्स्ट पोकेमोन पार्ट कीपर ब्रायन का है पिजियोटो, पिजी का इवॉल्व फॉर्म। तो इसका एक्सपीरियंस तो शेयर करना पड़ेगा ब्रो। ओ गैस्टली का भी 14 है, लेकिन गैस्टली को HP रिड्यूस करने वाला अटैक नहीं आता। एक एम्बर ही काफ़ी होगा इसके पिजियोटो के लिए। 168 एक्सपीरियंस मिला गैस्टली को, एंड कुलावा को गैस्ट्री का लेवल हो चुका है 15 भाई, 15 मिलियन का हो चुका है, नहीं भाई 15 का हो चुका है ये। या लाइक्स नॉट फास्ट इनाफ, भाई फास्ट नहीं था तू, फास्ट होता तो तू शायद जीतता मुझसे। सम पोकेमोन फील राइट अवे दे आर कैचिंग देम विथ कट स्मार्ट फास्ट फॉल। वेन एवर आई फाइंड वाइट एप्रिकॉन आई टेक इट टू हिम। भाई हाँ भाई, अब मुझे मिलने लगा अगर वाइट एप्रिकॉन तो मैं ले जाऊँगा कार्ड के पास, क्योंकि वो अच्छे खासे बना सकता है भाई पोकी बॉल्स। ही टर्न इन टू कस्टम पोकी बॉल। आई नो ब्रो,
मैं जानता हूँ उस बंदे को, उसके स्लोपोक को मैंने बचाया था, उसके टाउन के स्लोपोक को। तो ब्रो मुझे तो एक टीम मिला, TM04। कौन सा अटैक है ये TM04? आई वांट टू नो ब्रो, एंड मैं इसे सिखाना चाहता हूँ इस TM अटैक को। भाई ये रहा TM, रोल आउट कौन सीख सकता है ब्रो? हु कैन सी रो? नहीं भाई, ये क्विलावा ही सीख सकता है, नहीं सिखाने वाला इसे। इन लोगों को पता है क्या मुझे क्या पसंद है या क्या नहीं? आई डोंट नो ब्रो, एब्रास को तो नहीं कर पकड़ने वाला मैं। ओके, तो इस ट्री को कट डाउन कर दिया है मैंने। एंड Route 36, भाई मुझे नेशनल पार्क में सच में कुछ भी नहीं मिला। आई विल बी स्ट्रॉन्ग इफ ओनली यू कुड टेल व्हाट्स माय अपोनेंट वाज थिंकिंग। अरे इससे तो मैंने बैटल किया था ब्रो, जिसे मुझे पता नहीं चला इस कॉन्टेस्ट है क्या ब्रो, किस चीज़ का कॉन्टेस्ट है ये ब्रो? मुझे कोई बता सकता है ये कॉन्टेस्ट किस चीज़ का है, या फिर ये नॉर्मल पार्क है ब्रो? आई वांट टू नो मैन, आई वांट टू नो रियली बैड। मुझे इतना टाइम लग गया स्क्रॉल करते करते ब्रो, नॉर्मली अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए। अबे इससे नहीं, ये इससे बात करना था भाई। नहीं है, नहीं 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 यार, आगे ही बनना पड़ेगा ब्रो, आज नहीं है कॉन्टेस्ट। कब होगा? ये लोग डेट भी नहीं दे रहे ब्रो, डेट दे देता तो अच्छा होता। आगे बढ़ते ब्रो, एक और ट्रेन है। थैंक्स टू माय स्टडी लेस आई एम रेडी फॉर एनी पोकेमोन। अच्छा, तुझे लगता है तू ऐसे किताबों से स्टडी करके तू मुझे हरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है ब्रो। स्कूल बॉय एलन मुझसे बैटल करना चाहता है, इसके पास एक ही पोकेमोन है जो कि है टैंगला, जिसका लेवल 16 है। एंड मैंने अपना नया कट अटैक यूज़ किया टैंगला के ऊपर, ये इफेक्ट तो की कर रहा है, लेकिन साले ने एक प्राइस दे दिया अपने कुलावा को पॉइजनस करके। एंड टैंगला तो गया, 568 एक्सपीरियंस मिला। एलन तू तो डिफीट हो गया। ऊप्स, कॉम्पिटिशन एरर। भाई अभी तो तू बोलेगा ही हार गया जो साले मेरे से। और कुछ चाहिए ब्रो? व्हाट आई वांट टू ब्रो, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ट्रैन, आई स्टडी 5 आवर ए डे टू, लेकिन तूने कुछ नहीं उखाड़ा। दे आर मोर टू लर्निंग देन जस्ट रीडिंग बुक। यस ब्रो, तुम सिर्फ बुक पढ़ के स्मार्ट नहीं बन सकते, तुम्हें कुछ रीड भी करना पड़ेगा। रीडिंग टेक्स्ट बुक इज वर्थ वाइल एवरी सो ऑफेंटेड। Whenever I'm reading and walking, I have to look down, so I notice item on the ground. सच में, लेकिन तुमने एक भी ग्राउंड से वो नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम आई फाइंड समथिंग आई विल गिव इट टू यू। इतना सिंपल था भाई। मैं हैव योर फोन नंबर? यस 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 बेबी, यू कैन हैव माई नंबर एंड कॉल मी इफ यू वॉन्ट टू। भाई फ्राइडे में मुझे इसका लेज का डिलीट करना पड़ेगा। ये गया एंड इसका ले लेता हूँ भाई। एलन वॉकर बनना है तेरे को, पाले तेरे को एलन वॉकर बनना है। ये ट्री भागे हट क्यों नहीं रहा इधर से? इस ट्री के ऊपर मैं वाटर फिल के देखूं। सोडा पॉप नहीं ब्रो, मुझे बाहर यूज़ करना था। इस ट्री को कैसे ये करूँ मैं? आई एम द फ्लावर्स ऑफ लूरिया। फ्लावर्स ऑफ किधर है फ्लूरिया? लिसन ओ, व्हेन आई एम स्प्रिकलेड वाटर वन दैट वीगली ट्री, इट जंप राइट अवे। सच में भाई, तो दिखाओ अभी। इट जस्ट हैज टू बी ए पोकेमोन, आई बेट इट वुड बी शॉक आउट डिस्कस्ट इफ यू shock at it. I know, I will tell my sis and borrow her water bottle. Oh bro, Golden Road City का जो फ्लावर शॉप है वो लड़की यही इसके सिस्टर के बारे में बात कर रही है, यही है शायद उसका सिस्टर। तो ब्रो चलते हैं, इधर चलता हूँ मैं, शायद मैं उधर से उसका ले आ सकता हूँ वो वाटर, स्प्रिंगलर वाटर, एंड जगा सकता हूँ इस ट्री वाले पोकेमोन को। ये ट्री वाला पोकेमोन है या इंसान? आई डोंट नो ब्रो, मुझे पता चल ही जाएगा। गोल्डन
ये रैल्फ ने कॉल कर दिया, है यार इट्स अंकल रैल्फ। भाई रख यार अभी तू रूट 36 में जो मन है वो करना, मुझे पोकेमोन सेंटर जाने दे सबसे पहले एंड हील करने दे ब्रो। ओके नाउ ब्रो हमने कर लिया है हील अपने सारे पोकेमोन को, तो भाई टोकोबी को तो यूज़ करने वाला हूँ तो इसे भी तो करना पड़ेगा मुझे। ट्रेन तो गैसली का लेवल 15 है लेकिन साले को अभी तक अटैक नहीं आता, तो हुट हुट तू आ जा भाई, तू कुछ देर ले रह ले इधर, उसके बाद मैं तुझे विड्रॉ कर लूँगा। तो अभी मैं विड्रॉ करता हूँ अननोन को ना भाई, टोगोपी को, टोगोपी आ जा। एंड मैं उस फ्लावर शॉप में चलता हूँ, फ्लावर शॉप इधर था शायद, इधर ही तो था भाई फ्लावर शॉप आई थिंक। ये नो ब्रो ये फ्लावर शॉप नहीं है, मैंने देखा था इधर ही क्या फ्लावर शॉप, जिम में ही है, जिम के पास। यस ब्रो जिम के पास में फ्लावर था, ब्लूमिंग ब्यूटीफुल फ्लावर शॉप। आहा आई न्यू इट, व्हेन आई टोल्ड माय सिस्टर अबाउट द जिगली ट्री शी टोल्ड मी इट्स डेंजरस, सच में इट्स डेंजरस है बॉय। इफ आई बीट व्हाइटनी आई वंडर विल शी विल एंड मी हर वाटर बॉटल। अरे मैंने उसे हराया है व्हाइटनी को। ओ यू आर बेटर देन व्हाइटनी, यू विल बी ओके देन, हियर द स्क्वायर बॉटल। भाई इसने मुझे दे दिया स्क्वायर बॉटल एंड अब मैं उस ट्री को उधर से हटा सकता हूँ। मैं कुछ पोकेबॉल्स भी खरीद लेता हूँ, उसे कैच करना पड़ेगा मुझे। दिक्की पॉकेट में चला गया, मैं स्टोर में जाता हूँ एंड कुछ पोकेबॉल्स खरीद लेता हूँ, पोकेबॉल्स ही खरीदना है मुझे और कुछ नहीं। ये यहाँ क्या मिलता है ब्रो, सुपर पोशन, कोई पोकेबॉल नहीं, व्हाट सच में कोई पोकेबॉल नहीं, आर यू किडिंग मी ब्रो। एक बार और चेक करता हूँ मैं, सुपर पोशन बन हिल नहीं भाई ये इसके पास नहीं है, इसके पास तो क्या, यस ब्रो इसके पास पोकेबॉल्स हैं एंड मेरे पास मनी है अभी, तो पोकेबॉल ज़्यादा लेता नहीं हूँ मैं, चार पोकेबॉल ले लेता हूँ एंड पोशन ले लेता हूँ भाई, सुपर पोशन बहुत चाहिए एंड बहुत काम की चीज़ है सुपर पोशन भाई, मैं सुपर पोशन ले रहा हूँ सात, इतने में से तो अपना काम हो जाएगा, और कुछ है क्या, नहीं ब्रो और कुछ नहीं है, तो फिर पोकेबॉल्स ले लेता हूँ, ग्रेट बॉल लेता हूँ लेकिन ग्रेट बॉल का तो बहुत महंगा है भाई, ले लिया फिर भी ग्रेट बॉल, पैसा बहुत है अपने में। हाँ तो नेक्स्ट सिटी एक्रोटिक सिटी, आई एम कमिंग ब्रो, मैं आ रहा हूँ, जस्ट वेट कर तू। इधर कॉन्टेस्ट चल नहीं रहा, पता नहीं कॉन्टेस्ट हर दिन ऐसे होता शायद, आई डोंट नो ब्रो, मैं बाद में आऊँगा कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो इसके ऊपर यूज़ करता हूँ मैं स्क्वायर बॉटल एंड क्या हुआ ये, दियर वेट ट्री डजन लाइक द स्क्वायर बॉटल, दी वेट ट्री अटैक्ट, भाई इसको पसंद नहीं आया एंड इसने अटैक कर दिया है मेरे ऊपर। अरे ये तो एक पोकेमोन है, शुडू उडू भाई, शुडू उडू ब्रॉक के पास था भाई, 20 लेवल है इसका शुडू उडू का। भाई मैं क्विक अटैक ट्राई करता हूँ, क्विक अटैक इसे मुझे कैच करना है, मैं इसे यूज़ करूँ क्या शुडू उडू को, आई डोंट नो ब्रो, ब्रॉक के पास था तो अच्छा ही होगा भाई, इसका अटैक देगा तुमने कट भाई, सुपर पोशन यूज़ करना पड़ेगा, मैं शुडू उडू से नहीं आने वाला। सुपर पोशन वेयर सुपर पोशन ब्रो, 8 सुपर पोशन है, 7 खरीदा था मैंने एंड पहले से एक था भाई। क्विक अटैक एम्बर अटैक इफेक्ट करेगा क्या, नहीं भाई इतना इफेक्ट, अब पे इसने हरा दिया यार, ठीक है साइड एक तू आ जा लौंडे, हेड बट ट्राई कर भाई। ओके साइड एक हारा नहीं, सुपर पोशन मैं इसका अटैक को ही डिसेबल कर देता हूँ लेकिन फेल हो गया भाई, शुडूडू ने हरा दिया ब्रो, गैसली हिप्नोसिस स्ट्राइकर 16 साले को एंड मैं कैच करने का ट्राई करता हूँ। पोकेबॉल किधर है मेरे पास, ये रहा 4 पोकेबॉल, मैं ग्रेट बॉल से ट्राई करता हूँ एंड ब्रो नहीं हुआ, ये जाग गया लौंडा एक और बार, भाई शुडूडू के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा भाई, इसने अटैक करके डिफीट कर दिया यार। नो टोगोपी ग्रोल भाई, टोगोपी को भी इसने नहीं छोड़ा, एक ही पोकेमोन है भाई, रिवाइव करना पड़ेगा कोई लावा को।
मुझे हारना नहीं है इससे, मुझे इसे कैच करना ही है। रिवाइव है मेरे पास एक ही भाई, गया कुलाबा गया ब्रो। कुलाबा नहीं भाई, वो गया, मेरे सारे पोकेमोन को इसने तोड़ के रख दिया ब्रो। ये शुडूडू को तो कैच करना ही पड़ेगा अब। एक कट, एक और कट, ठीक है अब मैं ट्राई करता हूँ पोकेबॉल्स को यूज़ करने का। लोअर बॉल या फर्स्ट बॉल ट्राई करता हूँ। एंड ब्रो इसने फास्ट बॉल को भी तोड़ दिया, एक क्रेड बॉल। ओह ब्रो शुडूडू को कैच कर लिया है अपने कुलावा को, तो मैं शुडूट को ट्राई यूज़ करूँगा। ये शायद ग्रास टाइप एंड रॉक टाइप है आई थिंक, या फिर ये टोटली रॉक टाइप पोकेमोन है। इट्स ए ट्री ब्रांच, सीक व्हेन देयर इज नो विंड। सच में नॉट ए ट्री, इट्स ए हाइड, हाइड्स फ्रॉम द रेन। सच में गिव ए निक नेम, नहीं भाई मैं निक नेम नहीं देने वाला इससे। हील करने जाऊँ क्या मैं वापस गोल्डन डॉट सिटी? तो यस ब्रो मैं हील करके आ जाता हूँ, नहीं तो मैं आगे नहीं जा सकता। Route 36 ब्रो, मैं जल्दी से हील करके आता हूँ। मैं नेक्स्ट सिटी जाके मैं शुडूड को निकालने वाला हूँ, तो शुडूडू को निकालने वाला हूँ। शुडूडू ही नाम है ना उसका, पता नहीं मैं ठीक से प्रनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, आई डोंट नो ब्रो। तो हील कर लिया है अब भी यार, अब चलो जहाँ पे मैंने वहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं नॉर्मल। अभी फास्ट फॉरवर्ड में करके मैंने हील कर लिया। ब्रो कितने ये वाइल्ड पोकेमोन आएंगे एंड मेरा दिमाग ख़राब करेंगे ब्रो। ओके तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। वैसे जाना किधर है मुझे, पहले मैं इधर ही देख लेता हूँ क्या है इधर। तो ये है ट्रेनर टिप्स, यूज़ डिग टू रिटर्न टू द एंट्रेंस ऑफ एनी प्लेस। लेकिन डिग अटैक है नहीं मेरे पास, कोई भी अपना पोकेमोन डिग अटैक नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। इट्स ए कन्वेसमेंट फॉर एक्सप्लोरिंग केव्स एंड अदर लैंडमार्क। या ब्रो डिग अटैक बहुत ही काम का अटैक है वो। और कुछ है क्या इधर? एनी एंड आर इन द दिस टू ग्रादर। ये दोनों गर्ल्स डबल बैरल करना चाहती है, ट्विंस हैं एन एंड एनी। एंड जिग्लीपफ है एक के पास, ओके फर्स्ट जिग्लीपफ। तो जिग्लीपफ को भाई चांस नहीं देना पड़ेगा, अगर उसने सिंग अटैक यूज़ कर लिया तो कुलाबा तो सो जाएगा। तो मैं एम्बर अटैक से इसे जल्दी से फेंडेड करता हूँ। एंड भाई थोड़ा सा एच पी बच गया तो क्विक अटैक यूज़ करता हूँ। एंड जिग्लीपफ गया, 259 एक्सपीरियंस मिला। अब नेक्स्ट पोकेमोन है क्लेफेरी, भाई क्लेफेरी को भी चांस नहीं देना चाहिए मुझे। एम्बर भाई एक एम्बर से नहीं हुआ, ये मीट्रोनेम यूज़ कर रहा था। मीट्रोनेम बहुत कूल अटैक है भाई। ये पिन कौन सा अटैक है भाई, इफेक्ट तो नहीं हुआ ज़्यादा लेकिन ठीक है भाई। क्लेफेरी को डिफीट कर दिया, 232 एक्सपीरियंस मिला। दोनों ट्विंस को हमने डिफीट कर दिया, एंड लिटिल टू स्ट्रॉन्ग, तो हमने डिफीट कर दिया इसे। वी आर शेयर द सेम फीलिंग एज आवर पोकेमोन, ठीक है। वैसे मैं हूँ किधर अभी, करेंटली किधर हूँ मैं? नहीं भाई Route 37, लेकिन मुझे वॉयलेट सिटी जाके इसको उस बंदे का पोकेमोन एंड मेल देना है, उस गार्ड का फ्रेंड का। ये कौन है? डिड यू क्लियर द वाटर ट्री? विच ए ट्री? यस आई एम इम्प्रेस्ड। आई वॉन्ट यू टू हैव दिस। भाई मैंने उस ट्री को हटाया इसलिए इसने कुछ मुझे दिया, TM दिया है, TM0 अटैक। दैट हैपन टू बी रॉक स्मैश, यू कैन शैटर रॉक्स विद जस्ट ए सिंगल विल एम्ड स्मैक। इट्स एनी रॉक आर इन योर वे, जस्ट स्मैश एम अप। या ब्रो मैं स्मैश अटैक अब यूज़ कर सकता हूँ भाई, किसको सिखाऊँ मैं स्मैश। रोल आउट भी है, मैं रोल आउट एंड स्मैश ये दोनों अटैक सिखाने वाला हूँ। तो रोल आउट टोगो भी सीख सकती है, तो उसे सिखाता हूँ। अब भी कैंसिल नहीं करना है, टोगो भी को एक नया अटैक सिखा रहा हूँ मैं। टोगो भी सीख चुका है भाई रोल आउट, लेकिन उससे पहले एक मूव को डिलीट करना पड़ेगा। ग्रोल को यूज़ डिलीट करूँ क्या? यस ब्रो ग्रोल को डिलीट करता हूँ। मीट्रो रैम भी आता है इससे एंड रोल आउट सीख चुका है,
रॉक स्मैश कौन सीख सकता है? रॉक स्मैश शुडूडू सीख सकता है क्या? मैं उसे सिखाऊंगा शुडूड को, अभी रखता हूँ मैं रॉक स्मैश। इधर कौन से पोकेमोन मिल सकते हैं? स्पिनराक तो है मेरे पास, और कौन है भाई? हूट हूट भी है मेरे पास, और कोई है क्या? बेल स्पॉट था, हाँ भाई उसे बाद में मैंने कैच किया था ट्रेड करने के बाद भी, ऑनिक्स से ट्रेड किया था। ऑनिक्स गैसली जिसका लेवल 5 है, मेरे पास गैसली है, हूट हूट एंड गैसली जो पोकेमोन है मेरे पास वही दिखा रहे हैं। ये कौन है भाई? हाँ क्या हुआ अपना? ये एग हैच हो रहा है, देखते हैं कौन सा पोकेमोन निकलता है इस एग से ब्रो। आई वांट टू नो ब्रो कौन सा पोकेमोन निकलेगा भाई। पिचू ब्रो, व्हाट व्हाट रियली, आई लाइक दिस ब्रो, मुझे पिचू मिला भाई, अपना इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन हो गया, मुझे अब किसी और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन को कैच नहीं करना पड़ेगा, पिचू मिला ब्रो मुझे। गिव ए निकनेम, नो आई डोंट नो वांट टू गिव ए निकनेम। That's odd. Street disappeared without a trace. नहीं भाई वो tree disappear नहीं हुआ, disappear कुछ बोल रहा था मैं पहले, लेकिन वो disappear है, disappear नहीं हुआ bro। मैंने उसे पकड़ा, वो एक tree नहीं था, वो तो एक Pokemon था। Oh, that tree was really a Pokemon, yeah. And मैंने उसे catch किया है अपने PC में, निकालूंगा उसे। Route 36, ये Route 36 है। ओके वॉयलेट सिटी आ गया मैं, वॉयलेट सिटी आ चुका हूँ, तो पोकेमोन सेंटर तो जाना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। किधर है पोकेमोन सेंटर ब्रो? ये रहा पोकेमोन सेंटर, हाँ हील कर लिया मैंने। ये लोग से कुछ इन्फॉर्मेशन और टीम रॉकेट के बारे में बोल रहे हैं ये, और रेड के बारे में बोल रहे थे। तो भाई 31 में, Route 31 में ये कौन है? हाय देयर, डिड यू विजिट स्पोर्ट? हाँ मैं इन लोगों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई फाउंड ए गुड पोकेमोन इन डार्क केव, सच में आई एम गोइंग टू राइज इट टू टेक ऑन फ्लैकनर, ही इज द, मैंने उसे डिफीट कर दिया ब्रो। अच्छा ये रहा वो बंदा, इस ट्री के पास खड़ा है, इट्स फ्रूट बेरिंग। ओके बेरी मिला मुझे एक बिटर बेरी, इसको देता हूँ इसका पोकेमोन जी। व्हाट्स दैट यू हैव मेल फॉर मी? या किधर है ये? ये रहा इसका मेल एंड पिकाचू पोकेमोन। फिनिक्स हैपेंड टू ओवर द पोकेमोन होल्डिंग मेल, लेट्स से डार्क केव लीड्स टू अनदर रोड, दैट्स गुड टू नो, थैंक्स for bringing this to me, my friend's a good guy and you are spoiled too. अच्छा इसका फ्रेंड को ही दिया एंड मुझे भी थोड़ा बहुत क्रेडिट दिया इसने। आई हैड लाइक टू डू समथिंग गुड इन रिटर्न टू यू, भाई एक मुझे इसके बदले कुछ देगा मुझे। आई नो आई वॉन्ट टू हैव दिस। ओके TM15 लास्ट TM था इसके पास जो कि है नाइटमेयर, भाई नाइटमेयर, इट्स विकेड मूव दैट स्टेडली कट्स द HP ऑफ स्लीपिंग पू एनिमी, ओ दैट्स स्केरी, आई डोंट वांट टू हैव अ बैड ड्रीम, सच में भाई ये इसको तो मैं गैसली को सिखाऊंगा इस अटैक को। ये बहुत ही कूल अटैक है एंड गैसली को तो पहले से हिप्नोसिस आता है ये, तो ये तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो गैसली को सिखा देता हूँ मैं। हाँ तो मैं लिक हटा के, नहीं स्पाइट हटा के ये सिखा रहा हूँ नाइटमेयर अटैक। तो ये डार्क केव पास में ही है ना, मैं इसे एक्सप्लोर करूँ क्या? डार्क केव, अपने किसी पोकेमोन को फ्लैश अटैक आता है क्या? नहीं ब्रो किसी को नहीं आता, मैं सिखाऊँ क्या किसी को फ्लैश अटैक? पिचू भी सीख सकता है लेकिन नहीं ब्रो मैं उसे नहीं सिखाने वाला। वैसे पिचू को कौन से अटैक आते हैं, उसका लेवल कितना है? पिचू का लेवल है 5 एंड उसे थंडरशॉक चार्म एंड डीजी पंच आता है। ये डीजी पंच क्या है, ट्राई करना पड़ेगा। फ्लैश फ्लैश, एक मिनट मैं जल्दी से जाके बेल स्पॉट को निकाल के आता हूँ ब्रो। या ब्रो बेल स्पॉट को आता है फ्लैश अटैक, तो बेल स्पॉट आ जा तू।
डिपॉजिट डिपॉजिट नहीं ब्रो, विड्रॉ करना है। शेड्यूल को मैं विड्रॉ करना चाहता था लेकिन नहीं ब्रो, हुट हुट को तो भी मैंने पीसी में रख के रखा है ब्रो, हुट हुट को भी निकालना पड़ेगा। वैसे रुको, मेरे पास साइड है, टोगपी है, टोगपी को मैं यूज़ करूँ क्या, आई डोंट नो ब्रो। ठीक है, मैं बाद में निकालता हूँ शुडूडू को, एंड मैं पहले बेल्सपोर्ट को निकालता हूँ। बेल्सपोर्ट 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 है किधर भाई बेल्सपोर्ट? ओ ऑरिश ऑरिश, बेल्सपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, ऑरिश को आता है। यस ब्रो, इसे कट आता है। ओह मैं भूल गया था फ्लैश के बारे में, फ्लैश सीख सकता है क्या ये? फ्लैश सीख सकता है ब्रो? यस ऑरिश सीख सकता है फ्लैश, एंड मैं सिखाने वाला हूँ इसे। सिखा दिया फ्लैश। ओके ऑरिश नो कट, अच्छा ऑरिश को तो कट आता ही है, मुझे फ्लैश सिखाना है इसे। हाँ सीख चुका है क्या ये फ्लैश अटैक? यस ब्रो फ्लैश सीख चुका है ये, एंड मैं अभी रॉक स्मैश एक ही बार सिखा सकता हूँ। कौन सीख सकता है रॉक स्मैश? हु कुलावा सीख सकता है ब्रो, इसे सिखाऊँ क्या मैं? साइडक सीख सकता है, साइडक को सिखाता हूँ रॉक स्मैश। रॉक टाइप पोकेमोन के खिलाफ और भी फायर टाइप पोकेमोन के ऊपर भी इफेक्ट करेगा ये, एंड थंडर टाइप पोकेमोन के ऊपर भी। तो मैं टेल भी फटा के सिखा रहा हूँ इससे रॉक स्मैश। अब ये बंदा साइड एक्स स्मैश कर सकता है, तो चलो भाई चलते हैं स्केप में, मैं देख ही लेता हूँ स्केप में है क्या। हाँ तो अंदर चलते हैं स्केप के। ठीक है एक मिनट, मैं अभी नहीं जाने वाला, अभी बहुत हो चुका है भाई, बहुत टाइम हो चुका है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत टाइम से, 1 आवर प्लस हो चुका है। तो इधर मैं गेम को सेव करने वाला हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कर सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सायोनारा द एंड।